अवैध अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भारी पड़ रहा है। लगातार सभी जनपदों में, पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। और कानपुर के काकादेव स्थित नवीन नगर में हम मौजूद हैं, कब्रिस्तान के पर कब्जा करके। देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अवैध कब्रिस्तान पर कब्जा करके ये घर बना लिए गए थे। अवैध अतिक्रमण किया गया था जिन पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और ये कई सारे घर बनाए गए थे। कई वर्षों से ऐसे ही अवैध अतिक्रमण करके लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिनके अतिक्रमण को अब गिराया जा रहा है। और ये लाइन से करीब 30 के आसपास ये मकान है और बुलडोजर एक बार फिर से गरजना शुरू हो गया है। जो TS प्रीतम वर्मा जी हैं नगर निगम से, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कार्रवाई आज आप लोग कर रहे हैं? ये कब्रिस्तान के बाहर सड़क और फुटपाथ से लगा हुआ जो झोपड़ियाँ लोगों ने बना रखी हैं, इन लोगों को कई बार मौका दिया गया, कई बार वार्निंग दी गई, अनाउंस कराया गया, लेकिन ये लोग नहीं हटा रहे थे। तो आज इसमें डेड लगी थी तो इसको गिराया जा रहा है। कितने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं? लगभग 22-23 परिवार हैं। हम देख रहे हैं कि सड़क और फुटपाथ तक में इन लोगों ने कब्जा कर लिया। जी जी जी, वही सड़क फुटपाथ वाला ही हटाया जा रहा है, बाकी कब्रिस्तान के अंदर जो है वो तो जिला प्रशासन के सहयोग से जैसा भी होगा वो आगे हटाया जाएगा। निर्माण कार्य जो है वो यहाँ पर रुका हुआ था, नगर निगम कई बार टेंडर भी कर चुका था इसके लिए। इस बारे में एक्सीएन साहब बता पाएंगे क्योंकि निर्माण कार्य वही देखते हैं, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। तो फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखाएं कि नगर निगम का बुलडोजर जो है अपनी कार्रवाई करना शुरू कर चुका है और पर्याप्त फोर्स के साथ यहाँ पर, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ना बने, कानून व्यवस्था के तहत ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। अब ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है और बुलडोजर काफी गरज रहा है, नगर निगम अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इससे पहले RSपुरम इलाके में काकादेव में ही पार्क पर जो अवैध कब्जा किया गया था उस पर करीब 35 मकान बने हुए थे, उनको ढहाया गया था। और आज एक बार फिर से नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है पर्याप्त सुरक्षा के साथ। नगर निगम का प्रवर्तन दल है, RRF है, पुलिस, सिविल पुलिस है और सभी जो सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं ऐसे ड्रिल के पहले, ऐसे अतिक्रमण को, अवैध अतिक्रमणों को हटाने से पहले उन पर उनके पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए, कई सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं अवैध अतिक्रमण करके और ये नगर निगम की ज़मीन है। देखिए, खुद से अपना अतिक्रमण भी तोड़ रहे हैं, खुद से हथौड़े से लेकर अपने गेट को हटा रहे हैं, प्लास्टर्ड पूरा अब कब्जा कर रखा था कई वर्षों से। और कई बार नगर निगम ने नोटिसेस दिए थे इन लोगों को, लेकिन उन नोटिसेस को भी नहीं देखा गया था। और आज अतिक्रमण हटाने के लिए खुद बुलडोज़र आया है और बुलडोज़र गरज रहा है। अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई यहाँ से शुरू हो चुकी है और ये अतिक्रमण तभी, यहाँ जितना पूरा अतिक्रमण है इसको हटाकर ही नगर निगम अपनी कार्रवाई को पूरा करेगा। तो कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन करता हुआ नगर निगम का बुलडोजर, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इस सुरक्षा के इंतजाम के बीच आज यहाँ के अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।